हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो आज आ गई हूँ मैं मेरे पार्ट टू से। हम बात करने वाले हैं कवर लेटर के बारे में, और कवर लेटर के बारे में मैं आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर बताने वाली हूँ, पर उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। पार्ट वन जरूर देखें कवर लेटर के बारे में। नॉट ओनली जस्ट कवर लेटर्स, वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आर एच आर एडवांस क्वेश्चन, एच आर बेसिक क्वेश्चन, इंटरव्यूज, आपका प्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ बहुत सारी बात कर चुके हैं। मेरे साथ बने रहिए मेरे इस पेज पे, सो दैट आपके पास ये कंटेंट जाता रहे और कंटिन्यूअसली आपके इंटरव्यू में सिलेक्शंस आपके होते रहे। सो हम आज आ जाते हैं हमारे कवर लेटर के पार्ट टू के बारे में। मैं पार्ट वन में बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको दे चुकी हूँ कि किस तरीके से कवर लेटर होना चाहिए। बेसिक फर्स्ट पार्ट कवर लेटर का कैसा होता है, सेकेंड पैराग्राफ कैसा होता है, थर्ड पैराग्राफ कैसा होता है, इस सब के बारे में मैंने यहाँ पर काफी सारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आज हमने पहले पार्ट में अच्छे कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करा है। कन्वे एंथुजियास्टम फॉर द कंपनी, ये फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, जिसको मैं ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे पुराने वीडियो में। मेक श्योर कि आप उस वीडियो से गो थ्रू करें। अब हम बात करने वाले हैं आज सेकेंड पार्ट के बारे में। तो सेकेंड पार्ट बेसिकली एक और अनदर इंपॉर्टेंट सजेशन है यहाँ पर, हाईलाइट अ म्यूचुअल कनेक्शन। आपको यहाँ पर अगर आपका आपकी उस कंपनी से उस आज जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी में जा रहे हैं और आपको इस एबीसी कंपनी का रेफरेंस जो है या वहां पे आपका कोई म्यूचुअल है, तो उसे जरूर मेंशन करें। वो इसलिए कि इससे ये पता चलेगा कि आपका कोई म्यूचुअल जरूर है यहाँ पर, जिसने आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में बताया है। सो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको कह सकते हैं, आई वॉज एक्साइटेड टू लर्न ऑफ दिस जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द फॉर्मर कलीग एलेक्स बेकर। जो भी यहाँ पे आपके कॉलीग का नाम है, आपको किसने इस जॉब के बारे में जानकारी दी, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद कहेंगे, ही एंड आई हैव वर्क्ड क्लोजली टुगेदर फॉर मेनी इयर्स, मोस्ट ऑफ द रिसेंटली ऑन द कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट एट एक्स वाई जेड कंपनी। यानी आपके और उसके म्यूचुअल कनेक्शन का कारण क्या है, यानी मैंने यहाँ पर कहा है कि भाई मैं उसके साथ एक पिछले डेटा एनालिसिस वाली कंपनी में काम कर चुका हूँ, क्लोजली हमने साथ में एक प्रोजेक्ट किया है। उसके अलावा आप ये कहेंगे, ही थॉट दैट आई वुड बी अ गुड मैच फॉर दिस पोजीशन ऑन योर टीम। यानी ये उसकी रिकमेंडेशन थी कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान रहूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर पोजिशन। अच्छा इंसान इन द सेंस अच्छे क्वालिटी वाला इंसान, जिसमें आपकी जो क्वालिटीज हैं वो इस पोजिशन को मैच करती होंगी, इसलिए ये इंसान को लगा, मिस्टर एलेक्स बेकर को लगा कि आपको ये नौकरी मिलनी ही चाहिए। सो मेक श्योर कि अगर आपका कोई म्यूचुअल कनेक्शन हो तो आप उसे जरूर मेंशन करें, और उसे किस तरीके से लिखना है यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। मेक श्योर आप थोड़े से वर्ड्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने लिए भी एक अच्छा सा कवर लेटर बनाए। ओके, सो अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, एंड द अगला पॉइंट गोज लाइक, लीड एन इम्प्रेसिव अकम्प्लिशमेंट। अब यहाँ पर हम अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट मंथ यानी आपके ऐसे कौन से मतलब अमेजिंग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, माइंड ब्लोइंग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, यानी आपने क्या ऐसा अपनी पुरानी कंपनी के लिए किया है जिसकी वजह से आप बहुत ही मतलब सबकी चर्चा में है, या फिर आपने बहुत अच्छे कोई सर्टिफिकेशंस करे, अकम्प्लिशमेंट पाई है, उन चीजों को जरूर यहाँ पर मेंशन करें। जब मुझसे कोई ऐसी अकम्प्लिशमेंट्स पूछता है तो मैं उन्हें बताती हूँ दैट आई हैव बीन अवार्डेड फॉर द यंगेस्ट टीचर फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल। आई यूज्ड टू टीच फॉर क्लास 9 to 12 एट द एज ऑफ 22। सो मैं यहाँ पर इस तरीके के मेरे इम्प्रेसिव अकम्प्लिशमेंट्स को मेंशन करूंगी, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को मैंने मौका दिया है कि मेरे अच्छे अकम्प्लिशमेंट्स आपको मेरे को सिलेक्ट करने का मौका देते हैं। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं, लास्ट मंथ अलोन आई मोर देन डबल्ड द कंपनीज एक्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर के लिए पूरा बताया गया है, तो मैंने उसी तरीके से इसको बनाया है। लास्ट मंथ अलोन आई मोर देन डबल्ड कंपनीज एक्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड रैन टू सक्सेसफुली। यहाँ कौन से उसने और अकाउंट्स उसके अलावा रेज करे, दैट इज फेसबुक, फेसबुक एड्स कैंपेन्स दैट जनरेटेड ऑलमोस्ट 25K यूरोस। ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ यूरो इन रेवेन्यू। आईड लव टू ब्रिंग माय एक्सपर्टीज ऑर्गेनिकली एंड एक्सपैंडिंग सोशल रीच एंड डिलीवरिंग द आरओआई टू द सोशल मीडिया मैनेजर पोजिशन और एट द एबीसी कंपनी। यानी सामने वाले ने अपने अकम्प्लिशमेंट्स बताए यहाँ पर कि आपने क्या ऐसा कुछ मजेदार सा किया अपनी पुरानी कंपनी में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो मैं यहाँ ये कहूंगी दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब आई वाज अवार्डेड इन माय फर्स्ट जॉब आई वाज अवार्डेड एज द यंगेस्ट teacher for Delhi Public School, being the teacher at
at the age of 22 for students of class 9 to 12. And I also give 100% results for class 10th and class 12th. तो ये आपके बहुत ही अमेजिंग या इम्प्रेसिव अकम्पलिशमेंट्स हो जाते हैं. ठीक है, मेक श्योर अगर आपके ऐसे कोई अकम्पलिशमेंट्स हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उन्हें फ्रेम करके आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट जाता है ब्रिंग अप समथिंग न्यूज़वर्थी, यानी आपने ये कह दिया कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके बारे में न्यूज़वर्थी हैं, उन चीजों को जरूर लेकर आए कंपनी के बारे में, यानी कंपनी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं. तो आप ये कह सकते हैं, व्हेन आई सॉ दैट कंपनी एबीसी वाज फीचर्ड इन द संडे टाइम्स लास्ट मंथ फॉर द कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट इन द वर्क स्पेस, ऑल दिस व्हाइल एक्सपीरियंसिंग ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, आई वॉज इंस्पायर्ड. यानी अपन ने ये कहा कि हम आपके बारे में पेपरों में पढ़ते रहते हैं और आप इस बार अपने ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू पे जाने वाले हैं, ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू की तरफ स्कोर कर रहे हैं. तो ये आपके बारे में मैंने अभी लेटली ही संडे के न्यूज़पेपर में पढ़ा है. आई वॉज इंस्पायर्ड, यानी मैं इस चीज से काफी ज्यादा प्रभावित भी हूँ. विद माई ट्रैक रिकॉर्ड रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 30% एंड प्रमोटिंग ग्रीनर वर्क स्पेस, आई एम एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी एंड टॉकिंग एंड टेकिंग ऑन अकाउंट एग्जीक्यूटिव रोल टू एक्सपैंड योर कंपनीज ग्रोथ एंड वर्क towards the more sustainable future. यानी आपने ये चीजें बहुत आसानी से बता दी कि मैं इस तरह के, मैंने already 30+ जो है, मैंने with the track records reducing 30% cost and promoting more greener workspace. तो यानी आपने ये बता दिया कि इस तरीके के workspace को आपने बहुत ज्यादा enhance करा है, तो मुझे ये चीज आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है. आपने 30% से अपना cost बढ़ा, अपना घटाया है अपना cost, तो ये चीज मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लग रही है. इसके अलावा आप ये चीजें यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो पॉसिबिलिटी है आपकी कंपनी को एक्सपैंड करने की, ग्रो करने की टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर. सस्टेनेबल फ्यूचर यानी आने वाला बहुत अच्छा वो समय, जैसे सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई हम, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं कि सभी लोग कहते हैं कि पेट्रोल जो है ये एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा, तो अगर हम सस्टेनेबली तरीके से यूज करें इसे तो ये वक्त के साथ चलता रहेगा. यानी संभाल कर सही तरीके से ग्रोथ इस तरीके की जो लंबे समय चले. तो आपका ये जो प्रस्ताव है फ्यूचर के लिए, आपकी कंपनी का जो प्रस्ताव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कोई भी कंपनी के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हो, तो उस कंपनी की न्यूज को जरूर पढ़कर जाओ, ताकि सामने वाला जो पर्सन होगा वो ऑब्वियसली इंप्रेस होगा. और ये चीज अपने कवर लेटर में भी जरूर इंक्लूड करना. और एक बात बहुत 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 ज्यादा जरूरी, वो ये कि कभी भी, जब भी आप नई कंपनीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो हर कंपनी के लिए एक नया कवर लेटर बनाने की कोशिश करें. कॉमन कवर लेटर होना ठीक है, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि नए नए कवर लेटर्स आप बनाते रहें, क्योंकि जितने ज्यादा कवर लेटर्स आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा उन अच्छे कवर लेटर्स को लिखने का. तो मेक श्योर करें कि आप कवर लेटर्स जरूर लिखें. हर कंपनी का उस कंपनी के अलग अलग हिसाब से कवर लेटर लिखें. आपकी स्किल्स, कोई कंपनी, एक्स कंपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मांगती है, वाई कंपनी आपके बारे में डेटा एनालिस्ट की स्किल्स मांगती है, उस तरीके से, उस बेसिस पे आप अपना कवर लेटर बनाए. तो मेक श्योर कि हर कंपनी के लिए आप एक अलग अलग कवर लेटर बनाए, और उस कवर लेटर को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा नए नए तरीके से कवर लेटर्स बनाएंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कितने इनोवेटिव और कितने तरीकों से आप अपने कवर लेटर्स को बना सकते हैं. ओके, सो अब हम आ जाते हैं स्टार्ट विद द ब्रीफ स्टेटमेंट के बारे में. तो हम यहाँ पे कहेंगे, इम्प्रेस द हायरिंग मैनेजर बाय द ओपनिंग अप विद अ शॉर्ट इम्पैक्टफुल ब्रीफ स्टेटमेंट दैट मिरर्स द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड गोल्स विदाउट मेकिंग इट सीम टू लाइक अ कॉपी और अ पेस्टेड मिशन स्टेटमेंट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट. एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कॉपी पेस्ट करता हुआ कोई मिशन नहीं लिखना आपको यहाँ पर, कि भाई मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ. आपको अगर लिखना ही है तो आप लोग बहुत इजिली ऐसे इंप्रेसिव स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, और ओपनिंग हमेशा बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए. हमेशा हमेशा बहुत इम्पैक्टफुल ओपनिंग होनी चाहिए, और ओपनिंग्स में इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे As a teacher, I believe every student deserves the opportunity to learn in their own individual pace.
Let curiosity direct their learning and participate in the hands-on activities that encourage growth. यानी हमने कहा कि भाई as a teacher मुझे ऐसा individually ऐसा लगता है कि हर student के पास एक pace है learn करने का और मैं उस चाहती हूँ कि वो अपनी pace से चीजों को learn करे, उसके अंदर curiosity हो obviously चीजों को करने की, participate hands-on activities पे ज्यादा हो उसका कि उसकी growth को automatically एक you know एक रीजन मिले। जैसे बहुत लोग काफी जो बड़े दिग्गज लोग हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपके सपने के लिए आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगी यानी आपका वो सपना बेकार हो जाएगा। अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो मेहनत भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी और उस मेहनत के लिए आपको थोड़ी सी मेरी भी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगी कि अगर आप मेरी ही थोड़ी सी हेल्प यहाँ से ले सके अपने इंटरव्यूज के लिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया हो तो मेक श्योर कि आप मेरे पास जरूर आए। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है कि स्टार्ट, मिडिल और कंक्लूजन कैसे होगा, तो मेक श्योर कि आप उस चीज को जरूर देखें, बहुत अच्छे से आप उस चीज को नोटिस करें। स्टार्ट के बारे में मैंने यहाँ पर भी आपको चीज मेंशन करी है, एक टीचर का एग्जांपल भी दिया हुआ है। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल ऑफ इट वेरी प्रिसाइजली, वेरी नाइसली, सो दैट यू आर एबल टू राइट अ वेरी गुड कवर लेटर। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट मी ऑन माई ईमेल आईडी और माई इंस्टाग्राम अकाउंट कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर और ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और अब हम मिलेंगे हमारे लास्ट पार्ट के साथ जहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से एक एग्जाम्पल कवर लेटर होना चाहिए, कैसे ये जाना चाहिए, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एवरीथिंग विल बी टॉकिंग अबाउट इट ऑन द लास्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के।